नमस्कार, मैं हूं जय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजस्थान में विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी की सभा होनी है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन सभा के स्थान को लेकर अब पेच फंस गया है। एक तरफ आदिवासियों का तीर्थ स्थल बेणेश्वर है तो दूसरी तरफ मानगढ़ धाम। अब नेताओं में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि आखिर भीड़ कहां ज्यादा जुटाई जा सकती है। राहुल गांधी के चुनावी शंखनाद के लिए पीसीसी और सीएम गहलोत द्वारा मानगढ़ में तय किए सभा स्थल को लेकर आपस में खींचतान बढ़ गई है। मेवाड़ समेत आसपास जिलों के नेताओं के सामने अब मानगढ़ धाम तक भीड़ ले आ पाना बड़ी चुनौती बन गया है। उदयपुर में दो दिन पहले आयोजित तैयारी बैठक में भी कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर रघुवीर मीणा ने खुलकर स्थान चयन को लेकर पीड़ा जताई थी। मीणा ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सामने खुलकर भीड़ जुटा पाना बड़ी चुनौती बताया था। मीणा ने कहा कि ज्यादातर नेताओं ने डूंगरपुर को बेणेश्वर के लिए राहुल गांधी की सभा का सुझाव दिया था, मगर मानगढ़ धाम में सभा तय होने से बांसवाड़ा डूंगरपुर के अलावा प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही और भीलवाड़ा से भीड़ लाना बेहद मुश्किल होगा। सभा स्थल से उन जिलों की दूरी के साथ 7-8 घंटों की यात्रा हो जाएगी और 5-6 किलोमीटर चलकर सभा स्थल पहुंचने में दिक्कत से कार्यकर्ता का रुझान जरा कम दिख रहा है। हालांकि नेता अब इस सभा को जैसे तैसे पूरा करने की बात कर रहे हैं। बैठक में मेवाड़ के कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि बेणेश्वर में सभा से ट्रांसपोर्ट की दिक्कत भी कम होती है और लोगों के धार्मिक दर्शन के बहाने सभा में आने की दिलचस्पी रहती है। दरअसल राजस्थान में पिछले दिनों पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभाओं के बाद कांग्रेस भी राजस्थान में राहुल गांधी की धमाकेदार सभा के जरिए चुनावी शंखनाद करना चाहती है। विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी की सभा से कांग्रेस राजस्थान की 30 से ज्यादा जनजाति वर्ग की सीटों पर प्रभाव चाहती है और इसी कारण गोविंद गुरु की बलिदान भूमि से कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक पर सेंधमारी करते हुए मेवाड़ और वागड़ समेत जनजाति वर्ग पर अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटी है। कहा यह जा रहा है कि सीएम गहलोत भी हाड़ौती, शेखावटी और मेवात के मुकाबले अब आदिवासी वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करते हुए यहां से अधिक संख्या बल के सहारे सरकार को रिपीट होने का दांव खेलना चाहते हैं।